वल्लभाचार्य महाविद्यालय, वेटनरी कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इन कॉलेजों को तो शहर से 7 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन आवाजाही का यहाँ पर कोई साधन नहीं है, जिसके लिए छात्र छात्राओं को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिले में उच्च शिक्षा के लिए शहर से 5 किलोमीटर दूर कॉलेज तो खुल गया है और महाविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए लगभग जिले भर के दूरस्थ अंचल से छात्र छात्राएं रोजाना कॉलेज तक का सफर करते हैं। आवागमन के साधन नहीं होने के कारण 5 किलोमीटर दूर पैदल ही सफर करना पड़ता है। वही अगर बात करें इस रास्ते पर चलने वाले एक ही विकल्प ऑटो रिक्शा की, तो मनमाने किराया वसूल कर अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। आवागमन की सुविधा के लिए कॉलेज के छात्र नेताओं के साथ छात्रों ने कई बार प्रयास किए, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। इस रास्ते पर आवागमन के लिए ना ही शासन ध्यान दे रहे हैं और ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधि। रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण छात्र छात्राएं जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए से महाविद्यालय तक सफर करते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है कि इस रोड और रास्ते पर बस की सुविधा जल्द ही मिलेगी। महासमुंद से एक्सप्रेस रिपोर्टर रेखराज साहू।